हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस के बारे में। बैक्टीरिया की लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत मुख्यतः दो बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लाइफ प्रोसेस में। नंबर वन, रेस्पिरेशन, और दूसरा न्यूट्रिशन। ये दो बातों को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। यहाँ पे हमें ये देखना है रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को चार भागों में डिवाइड किया गया है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन के आधार पर बैक्टीरिया चार प्रकार के होते हैं। कौन से बैक्टीरिया रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं, कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कौन कभी कभी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कौन कभी कभी बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करते हैं, इन्हीं बातों को हमको डिस्कस करना है। तो रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया, आप ये देखिए, मैं सबसे पहले दो तरह के बैक्टीरिया को यहाँ पे क्लासिफाइड कर दे रहा हूँ। एक हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा हो जाएगा एनएरोबिक बैक्टीरिया। अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया कहें क्योंकि बैक्टीरिया को डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया जिनकी लाइफ प्रोसेस, जिनकी मेटाबॉलिक प्रोसेस या जिनमें ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, उसे हम कहेंगे एरोबिक, ठीक। और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन को पसंद नहीं करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनका फेवरेट नहीं है ऑक्सीजन, उनको हम कहेंगे क्या कहेंगे, एनएरोबिक। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऑक्सीजन जब उपस्थित होगा उसको हम एरोबिक बोलेंगे, और जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो उसको हम आयन एरोबिक बोलेंगे। अब जरा देखिए बेटा, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया को डिवाइड तो किया, अब ये देखना है कि ये किस तरह के होते हैं। जरा देखिए, अब एरोबिक बैक्टीरिया को हम और अगेन क्लासिफाइड कर दें। ये देखिए ऑब्लिगेट और देखिए ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया, इसकी डिफिनीसन समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आप जान लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट। हम लोग गलती कर जाते हैं, यहाँ पर कहना रहता है कुछ और हम लोग बोलते हैं कुछ। देखिए इसकी बात तो बहुत सिंपल सी है बेटा, ये बहुत सिंपल सी बात कही जाएगी। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट का मतलब होता है नो ऑप्शन। ये देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऑब्लिगेट का मतलब, नो का मतलब नहीं, ऑप्शन का मतलब विकल्प,
ना, विकल्प क्या है? एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या? ऑक्सीजन ना। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, अर्थात इनको ऑक्सीजन बहुत पसंद है, इनकी लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, ऑक्सीजन के बिना इनमें कोई विकल्प नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तब फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसी को कहा जाता है ऑब्लिगेट एरोबिक। नो विकल्प, ऑब्लिगेट का मतलब एरोबिक, एरोबिक के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, अर्थात ऐसे बैक्टीरिया केवल केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रेस्पिरेशन करेंगे, उनको हम कहेंगे एरोबिक। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस। और यहां पे जरा देखो फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनएरोबिक। यहां पे समझिए फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, फैकल्टेटिव का मतलब अगर हम सेंटेंस को समझ जाए, फैकल्टेटिव का मतलब होता है विकल्प, विकल्प के रूप में क्या है एनएरोबिक। इसका मतलब है तो ये बैक्टीरिया कैसे हैं, एरोबिक होते हैं, ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं एरोबिक होते हैं, लेकिन बाय चांस अगर ऑक्सीजन इनको उपस्थित नहीं है, इनके लिए ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो ये विकल्प के रूप में कैसे हो जाते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो फैकल्टेटिव एनएरोबिक लिखा है तो आप ये कहेंगे कि ये होते हैं एरोबिक, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अर्थात जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तब ये अवायवी एवं अथवा एनएरोबिक हो जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक। इनका एग्जांपल अगर देखना है तो आप देखेंगे स्यूडोमोनास। ठीक बेटा, इसी तरह से अब हम इसको डिस्कस कर लें। जैसे यहां पर ये दो भागों में बांटा गया, वैसे यहां इसको हम दो भागों में बांट दें, एनएरोबिक बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा ऑब्लिगेट एनएरोबिक, और यहां पे क्या हो जाएगा दूसरे में फैकल्टेटिव एरोबिक, एनएरोबिक नहीं फैकल्टेटिव एरोबिक हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये देखिए एनएरोबिक बैक्टीरिया, इसको हमने क्या किया दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया, ये देखिए क्या हो जाएगा ऑब्लिगेट एनएरोबिक, ऑब्लिगेट एनएरोबिक अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प ना हो, और यहां क्या हो जाएगा फैकल्टेटिव एरोबिक, मतलब विकल्प। तो यहां पे क्या हो जाएगा केवल वनली रिस्पायर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेशन केवल
रेस्पिरेशन केवल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अगर ऑक्सीजन उपस्थित हो जाएगा तब ये सर्वाइव नहीं करेंगे, तब इनके लिए आफत आ जाएगी। अर्थात इनको क्या पसंद है? ऑक्सीजन रहित एरिया इनको पसंद है। और इसका एग्जाम्पल हम देखें तो आप ये देखें, बेस्ट एग्जाम्पल बोटुलिज्म, क्लास्ट्रिडियम बोटुलिज्म, ये बेस्ट एग्जाम्पल। इससे जानते एक बेटा एक चीज और यहां पे जानते रहिएगा, ये फूड पॉइजनिंग काज करता है। फूड पॉइजनिंग, इससे फूड पॉइजनिंग होती है। अगर ये बैक्टीरिया भोजन के द्वारा आपकी बॉडी में पहुंच गया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक है। फिर इसी तरह से देखिए इसकी क्या डिफिनेशन होगी। इसकी डिफिनेशन ये होगी, ऐसे बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं लेकिन जब इनके वातावरण में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है तब पर भी ये यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब पसंद तो इनको क्या है, एन एरोबिक कंडीशन, लेकिन मजबूरी में अगर कहीं से ऑक्सीजन आ गया तब पर भी ये सर्वाइव कर सकेंगे। तो यही कंडीशन है। और इसको हम यहाँ पे देखें, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लोरोबियम, ये ठीक है। अब हमने क्या किया, न्यूट्रिशन की बात कर ली। न्यूट्रिशन के बाद क्या होगा, दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा, एरोबिक क्या होता है, एनएरोबिक क्या होता है। फिर एरोबिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एन एरोबिक को भी उसी तरह से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिफिनिशन इसकी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब हम सेकंड लाइफ प्रोसेस की डिस्कस करें, न्यूट्रिशन चलिए बेटा यहां भी देखिए, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। अगर हम न्यूट्रिशन को देखें तो ये आप जानते हैं ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या हो जाएगा कीमोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक कीमोट्रॉफिक, या इसी में हम कह दें न कीमोट्रॉफिक अलग कैटेगरी नहीं बना रहे हैं, दूसरी ये कैटेगरी बना दे रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक। ये देखिए हम अलग अलग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ये देखिए हेटेरोट्रॉफिक। ओके, तो अगर हम इस बारे में डिस्कस करें कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या हैं, तो हम ये देखेंगे, आप ये जानते हैं ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, खूब आपने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, खूब आपने पढ़ा है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए सिंपल पदार्थों से जटिल भोज्य पदार्थों का फॉर्मेशन कर लेता है तो वह कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। अर्थात सिंपल मॉलिक्यूल से ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एज फूड करेंगे, भोजन के रूप में करेंगे, तो ये प्रोसेस हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक हो गई। अब हम ये देखते हैं बैक्टीरिया के केस में ये जो कंडीशन है ऑटोट्रॉफिक में, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक। ओके,
तो अब हम यहाँ पर देखें, ऐसे ही हम इसको डिवाइड कर दें तो आप चाहे देख लें, लेकिन हम दूसरे ढंग से इसका क्लासिफिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा फोटो ऑटो ट्रॉफिक, और दूसरा हो जाएगा कीमो ऑटो ट्रॉफिक। ये ओके। अब हम डिस्कस करें कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में किस किस तरह से होते हैं। दोनों हम संयुक्त रूप से देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक। फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक, फोटोलिथो ऑटोट्रॉफिक। यहां पे जरा देखिए बेटा, इसमें क्या आएगा, ये सेंटेंस फोटो मीन्स लाइट, लिथो जहां पे लिखा जाएगा इन ऑर्गेनिक यहां पर, और ऑटोट्रॉफिक का मतलब आप समझते हैं, यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा, सेल्फ ऊन फूड का फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज यहां पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अब हम ये देखें, फोटोलिथोट्रॉफ ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये देखिए, ये दो तरह के होते हैं बैक्टीरिया। यहां पर क्या होगा, पिगमेंट होगा, और किसका उपयोग होगा, सनलाइट का ये उपयोग करते हैं, पिगमेंट और सनलाइट का उपयोग ये करेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने के लिए, रिसीव करने के लिए इनमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। और इस पिगमेंट के अकॉर्डिंग इनको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, पर्पल ग्रीन बैक, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरा हो जाएगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये चीज हम देखें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यहां पर सब रोल जो है किसका है, पिगमेंट्स का है। और इस पिगमेंट्स को हम देखें, इस पिगमेंट की अगर हम बात करें तो ये देखें, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होगा वो पिगमेंट होगा बैक्टीरियो परप्यूरिन, और इसमें जो पिगमेंट होगा बैक्टीरियो विरिडिन। ये इस बात को आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्रोमेटियम, यहां पर एग्जाम्पल की बात करें क्लोरोबियम, ये याद रखना है। अगर आपसे कहा जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, क्रोमेटियम, और आपसे पूछा जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल कौन है, क्लोरोबियम, और याद रखिएगा दोनों के पिगमेंट्स को जरूर याद रखिएगा, बैक्टीरियो परप्यूरिन है और बैक्टीरियो विरिडिन है, इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए,
अब दोनों में जो कॉमन बात है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस चीज़ को देखें कि जब प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेटिक क्रिया होती है, जरा देखिएगा ध्यान से, जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है ग्रीन प्लांट्स में, तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको बैलेंस करके चलें या ना चलें, तो हम लिख दे रहे हैं 6CO2 + 12H2O। फिर इसके बाद हम एक कॉमन इक्वेशन में ये देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं सन लाइट, और यहाँ पे लिखते हैं पिगमेंट, इसका मतलब ये होता है सूर्य के प्रकाश एवं पिगमेंट की उपस्थिति में हमने ये देखा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये हम देखते हैं। जरा देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग हो रहा है, लेकिन इनमें जो ऑटोलिथोट्रॉप्स हैं इनमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S, ये देखिए, और यहाँ भी क्या होगा सनलाइट, ये देखिए, और यहाँ क्या होगा पिगमेंट, और यहाँ क्या होगा C6H12O6, प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा, आप ये देखिए कि सल्फर, प्लस यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इस जगह हम इतनी यहाँ पे बात कर रहे हैं, सल्फर यहाँ पर या एटमॉस्फेयर में मुक्त हो गया, अब यहाँ पर ये चीज जो देख रहे हैं और ये चीज जो देख रहे हैं, इस बात को देखिए, पानी कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें, कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए हाइड्रोजन डोनर का काम यहाँ पे पानी करता है ग्रीन प्लांट्स में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलने के लिए हाइड्रोजन डोनर का काम कौन कर रहा है, H2S, पानी नहीं है, क्लियर हुआ। तो आप यहीं पर लिखेंगे कॉमन बात, हाइड्रोजन डोनर क्या है, H2S, नॉट वाटर, पानी यहां पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में नहीं होता है, क्लियर हो गई बात। अब हम आगे डिस्कस करें कि दूसरे टाइप के बैक्टीरिया ये फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक हुए, ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पे देखिए सारी ये कंडीशन है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पे सल्फर वायुमंडल में मुक्त हो रहा है, क्लियर हो गया। अब आगे हम देखें दूसरे टाइप का जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, उसको हम कहते हैं फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉप्स। चलिए आगे, फोटो ऑर्गेनो हेटेरो ट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जरा देखिए, फोटो मींस लाइट, हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिथोट्रॉफ में हाइड्रोजन डोनर कौन था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था, H2S, यहां पे कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो इस बात को आप अवश्य नोट कर लीजिए कि यहां पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इनको भी
दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी क्या है, जैसे वहां पे आपने लिखा था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सल्फर नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉन सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये दो तरह के होंगे। मतलब हाइड्रोजन डोनर के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग किया जाएगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग करने वाले दो तरह के बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, सनलाइट होगी, और इस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्या पाया जाएगा, पिगमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया नहीं कहलाएंगे, सल्फर बैक्टीरिया नहीं कहलाएंगे, नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहलाएंगे, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करें। नेक्स्ट टॉपिक कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जरा आप देखिए, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक कितने तरह के होंगे, एक ये हो गया ऑटोट्रॉफिक, यहाँ पर फोटो सिंथेटिक, और दूसरा कीमो सिंथेटिक। तो फोटो सिंथेटिक में आपने क्या देखा था, फोटो लिथो ऑटोट्रॉफिक, और इसमें क्या देखा, फोटो ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफिक कह लीजिए, ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफिक। हमने यहाँ क्या देखा था, हेटेरोट्रॉफिक लिखा था, कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर यहाँ पे ये आ गया कीमो सिंथेटिक, मतलब ये कीमो सिंथेटिक मतलब कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो इस बात को आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब ये चीज तो आपने पढ़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कीमो ऑटोट्रॉफिक में हम ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फूड बनाना होगा, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन को बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, रसायनों का, इन ऑर्गेनिक, यहाँ पे जो रसायन उपयोग होता है इन ऑर्गेनिक रसायनों का उपयोग करेंगे, मतलब ऑक्सीडाइज करेंगे, और इस ऑक्सीडाइजेशन के समय क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, और इसी एटीपी का उपयोग किसमें करेंगे, भोजन सिंथेसिस, भोजन के निर्माण में करेंगे। बेटा क्लियर हुआ, देखिए जितने कीमो कीमोसिंथेटिक ऑटोबैक्टीरिया होंगे, इस ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे, इसमें क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा, भोजन इनको बनाना है, और भोजन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एटीपी इनको कहाँ से मिल रही है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिल रहा है, अकार्बनिक पदार्थों से मिल रहा है। अकार्बनिक पदार्थों का क्या करेंगे, ये ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तब ये एटीपी बना लेंगे, और इस एटीपी का उपयोग भोजन के निर्माण में करेंगे, ठीक है। और इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं,
ये कितने तरह के हैं, अब आप देखिए। ये देखिए इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसमें देखिए फेरस बैक्टीरिया, तो यहां पे देखिए ये एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नाइट्रोसोमोनास नाइट्रो बैक्टर ईटीसी, इसमें क्या आ जाएंगे, थायोबैसिलस ये। बेटा यहाँ पे देखिए हमको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमको ये जानना है अगर आपसे कभी कह देता है, पूछ लेता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन होते हैं, तो आप कहिए नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फेरस बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया किस कैटेगरी में आते हैं, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करके एटीपी का निर्माण करते हैं और उस एटीपी का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो ये कई प्रकार के होते हैं, मेथेनोबैक्टीरिया इसी में आएंगे। तो इस तरह से आप ये जानते रहिएगा, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए। अब हम जल्दी से दूसरा लास्ट वाला डिस्कस कर लें, हेटरोट्रॉफिक। जल्दी से हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हमने क्या देखा, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते थे उनको हमने ऑटोट्रॉफिक देख लिया। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह के हो गए, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक, दो तरह के। अब हम ये देखें कि जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, या दूसरों की बॉडी से लेते हैं, या दूसरों से प्राप्त करते हैं, उनको हम कहेंगे हेटरोट्रॉफिक। और ये तीन कैटेगरी के होते हैं बेटा, तीन कैटेगरी, एक होते हैं पैरासाइट, दूसरा क्या होता है साइप्रोफाइट, और तीसरा होता है सिम्बियोटिक। ये सिम्बियोटिक तीन तरह के होते हैं, सिम्बियोटिक, पैरासाइट, साइप्रोफाइट। पैरासाइट का मतलब समझ लीजिए, पैरासाइट का मतलब ये भोजन कहाँ से लेंगे, लिविंग बॉडी से, लिविंग बॉडी से भोजन लेंगे बेटा, याद रखिएगा। और ये भोजन कहाँ से लेंगे, डेड बॉडी, डेड बॉडी से, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में डेड बॉडी से लेंगे। सिम्बियोटिक का मतलब यहाँ पर ये कैसे रहेंगे, एज पार्टनर के रूप में, बेनिफिशियल पार्टनर, बेनिफिशियल पार्टनर के रूप में रहेंगे। कैसे लेंगे, इसका बेस्ट एग्जांपल आगे चूंकि हमको पढ़ना है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, राइजोबियम, राइजोबियम। तो ये बात रही बेटा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, पैरासाइट, सेप्रोफाइट, सिम्बियाटिक। पैरासाइट किसे कहेंगे, जो जीवित बॉडी से, लिविंग बॉडी से भोजन प्राप्त करता है उनको हम पैरासाइट कहेंगे, ये रोग भी उत्पन्न करेंगे। सेप्रोफाइट उन्हें कहेंगे जो डेड बॉडी से भोजन लेंगे, उनको हम सेप्रोफाइट कहेंगे। जब बॉडी डेड ही होगी तो ये रोग उत्पन्न कर नहीं सकेंगे, अर्थात ये रोग उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। सिम्बियोटिक उसे कहा जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों के साथ सहयोगी भूमिका में भोजन के लिए पाए जाते हैं या रहते हैं, उनको हम कहते हैं पार्टनर बना रहे हैं, बेनिफिशियल पार्टनर्स, दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक होंगे। सिम्बियोटिक में मतलब क्या हुआ कि दो पार्टनर होंगे, दोनों पार्टनर एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, बेनिफिशियल पार्टनर्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, अलग से करेंगे। अब हम नेक्स्ट
टॉपिक की चर्चा हम करेंगे, वो भी रिप्रोडक्शन को लेकर के। अब हम यहाँ पर लाइव प्रोसेस को समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे रिप्रोडक्शन। ओके।